رمضان يجمعنا يهدي لنا الحب ويزيدنا قربا ويضمنا بحنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. رمضان يجمعنا يهدي لنا الحب ويزيدنا قربا ويضمنا بحنان. رمضان يحيينا ليعيدنا للنور ولأمسيات الدور ولذكريات زمان. رمضان يحيينا. رمضان يجمعنا رمضان يفرحنا بمجالس الأحباب والأهل والأصحاب في طاعة الرحمن. رمضان يفرحنا. رمضان يسعدنا في وجهنا بسمة في قلبنا رحمة للكون والإنسان. رمضان يسعدنا. رمضان يجمعنا ويضمنا بحنان.
تحملنا لفضائل الصبر ولمحضن الخير والبذل والإحسان. رمضان يحملنا رمضان يجمعنا يهدي لنا الحب ويزيدنا قربا ويضمنا بحنان. رمضان يا आज की ये अफ्तार पार्टी डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा जो ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी की नेशनल प्रेसिडेंट हैं और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ हैं उनकी जानिब से मुनाकिद हुई थी। ये दिल्ली में एक ऐसा कदम है डॉक्टर साहिबा का जिसको लेकर वो इंसानियत की खिदमत के लिए उनका ग्रुप और उनकी पार्टी आगे बढ़ी है। वो ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी की जानिब से सिर्फ एक बात कर रही हैं और वो है जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी, बग़ैर किसी मजहबी तासुब के, बग़ैर किसी लिसानी तासुब के, बग़ैर किसी कॉसिज़म के, बग़ैर किसी रिलीजनिज़म के। वो ये चाहती हैं कि भारत एक साफ़ सुथरी और सच्ची और सुच्ची क़यादत से रोशनास हो, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बनकर तरक्की करे, हिंदुस्तान सुपर पावर की दौड़ में एक नुमाया किरदार अंजाम करे। और वो हम लोग आज बहुत पीछे हैं, टेक्नोलॉजी में हमने बहुत खूब कमाया, नाम कमाया है, लेकिन फिर भी हम बहुत से देशों से आज हमारा नंबर 60 नंबर पर है। लेकिन हम ये चाहते हैं अगर ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी या डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा का जो विजन है वो ये कि भारत को आगे लेकर जाना है, भारत को एक साफ सुथरी क़यादत देना है जो झूठ से बालातर हो, धोखेबाज और मकर फरेब पर मबनी ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए हो और ह्यूमैनिटी के लिए जस्टिस का पैगाम लेकर चलती हो। दिल्ली में ये हमारा आगामी दूसरा प्रोग्राम था, लेकिन इसके बाद हमारे प्रोग्राम अब दिल्ली में शुरू होंगे और आने वाले दिनों में हम देखेंगे जिस तरीके से आज इस यहाँ कंस्टिट्यूशन क्लब में दिल्ली में हम रफ़ी मार्ग पर जमा हुए हैं, इससे बड़े प्रोग्राम अब मुस्तकबिल में हमें दिल्ली में करने हैं, बड़ी मनाजिल, बड़े मराकज, हमें बड़ी तरक्कियां ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी का इंतज़ार कर रही है और हमें उम्मीद है कि आप सब इसके साथ जब जुड़ेंगे तो ये ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लोगों के तहत लोगों की सपोर्ट के लिए मुल्क के हर मोहल्ले में, हर घर में, हर कस्बे में, हर शहर में पहुंचेगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप लोग आए, इसका हिस्सा बने। मैं ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट और डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा की जानिब से उनके मेम्बरान का या उनके ख़ानदान के अफराद का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन।